जय हिंद एवरीवन नमस्कार एक छोटी सी अनाउंसमेंट आई एल नॉट टेक मच टाइम इट इज अबाउट द रिटर्न एग्जामिनेशन रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर द सी डी एस एफ कैट एंड एन डी ए पिछले तकरीबन दो साल से है ना बच्चे मुझे बार बार बोल रहे हैं पेरेंट्स ने भी बहुतों ने बोला कि आप है ना इसकी तैयारी कराते हैं क्या माई आंसर वॉज नो है ना बट आई बिन टेलिंग देम एंड गाइडिंग देम कि उनको तैयारी कैसे करनी चाहिए दैट इज वॉट आई कुड डू दैट टाइम बट अभी टेकन ए इनिशिएटिव जहाँ पे मुझे लगा कि यस अप एम आई बीन एबल टू यू नो आइडेंटिफाई गुड पीपल हु एक्चुअली आर पैशनेट अबाउट टीचिंग सो देर इज अ कोर टीम ऑफ थ्री पीपल राहुल अखिल एंड यामिनी दे आर वन अमंगस्ट यू लाखों लोग हर साल इस एग्जाम के लिए अपना उतरते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू देव गॉट अ ड्रीम टू ज्वाइन इंडियन आर्म फोर्सेज आर्मी एयरफोर्स और नेवी और कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए जब वो लोग तैयारी करते हैं बहुत उम्मीद होती है सभी को एंड लास्ट में है ना मेरे हाथ से ब्रोकन मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट कोई खराब नहीं होता अब सिर्फ काम करने का जो तरीका है वो प्लस या माइनस होता है सो टुडे वेन आई हैव गोट अ कोर टीम द बेसिक आइडिया इज इट इज टू द स्टूडेंट फॉर द स्टूडेंट एंड बाय द स्टूडेंट दे आर दोस्ट अमंगस्ट यू हुड क्लियर देयर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड दे आर डैम पैशन एड अबाउट टीचिंग आई विल ऑल्सो भी पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग टीम मैं आपके साथ में जुड़ूंगा इनफैक्ट आई विल अर्ज ना योर पेरेंट्स ऑल्सो शुड इनिशियली वन आई स्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद यू उनको भी साथ में जुड़ना चाहिए सो दैट दे कैन आस्क एनी क्वेरीज वन वन ऑन विद मी एंड उनके मन में कोई भी डाउट है तो उनसे पूछ सकें कोई सलाह है कोई सजेशन है फ्रॉम योर साइड तो कर सकें विद रिगार्ड्स टू ट्रेनिंग ट्रेनिंग का तरीका थोड़ा सा अलग होगा हमेशा आई ऑलवेज बिलीव कैन आई वॉन शुड ब्रेक द पैटर्न दिस टाइम आई एम गोइंग टू ब्रेक द पैटर्न सिर्फ एग्जाम तक की तैयारी करनी है वहीं पे आकर के रुक जाना है नो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल नीचे आकर के कट ऑफ है देखना है नो दैट इज अगेन नॉट माय वे ऑफ फंक्शनिंग कट ऑफ ए नहीं देखना ऊपर देखना है आइडिया इज नॉट टू शो नॉलेज टू यू बट आइडिया इज टू एम्पॉवर यू द आइडिया इज कि चीजों को मुश्किल बना करके आपको नहीं बताना इस तरह से बताना है कि चीजें आपके लिए सिंपल हो जाएं। अब काम करने का तरीका मजबूत हो अब कॉन्फिडेंस बढ़े ठीक है सिर्फ रिटर्न एग्जाम की तैयारी ना करके होलिस्टिक अप्रोच कुछ ऐसी रहेगी जिसके अंदर यह है कि वॉन्स यूड क्लियर द एग्जाम यू टू अ ग्रेट एक्सटेंट आर लोडेड एंड प्रिपेयर फॉर स्टेज टू दैट इज एस एस बी एज वेल क्यों अब कुछ चीजें मैं बताऊंगा अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस डे बाई डे बढ़ेगा आप अपने ऊपर काम करेंगे आप यकीन आपको अपने ऊपर भरोसा आएगा एंड यूल नॉट लुक एट द बेस द कट ऑफ बट यू लुक एट द टॉप नो मैन टू बी लेफ्ट बिहाइंड जो सबसे कमज़ोर है पीछे रह गया मैं बताऊंगा कि कैसे तैयारी करनी है बट देन अगेन दोस्तों यार आप लोग लाखों की तादाद में बिड़ा हर साल एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं यू नो एंड बाद में कई मन छोटा होता है कि मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया कारण चाहे जो भी रहा हो

रजिस्ट्रेशन फॉर्मैलिटी नो दैट इज़ नॉट द क्यू पहली बात आप ईमानदारी से मेहनत करने के लिए तैयार हैं नंबर वन नंबर दो आपके पेरेंट्स जो हार्ड एंड मनी आपके लिए लगाते हैं फीस के तौर पे आप डेफिनेटली उनको नतीजा निकाल करके है ना प्रॉमिस करने का दम रखते हो कि मैं अपने माता पिता की लाइफ बेहतर करने के लिए खुद पर जोर लगाऊंगा और अपना सपना साकार करूँगा देन ओनली आई एम गोइंग टू कंसिडर यू फॉर द एडमिशन नॉट दैट एवरी विल भी एलिजिबल फॉर इट कम नंबर हो चलेंगे ठीक है रिकॉर्डेड सेशन आई डोंट इंटेंड टू कीप इनिशियली नीदर एनी ऐप जो भी होगा आमने सामने होगा आपको बताया जाएगा आप अपने डाउट्स क्लियर करेंगे आपको होमवर्क दिया जाएगा आप कंप्लीट करेंगे या you नो know? थोड़ा भरोसा आप हम पे करेंगे और कुछ भरोसा मैं आप पे करूँगा मुझे मेहनत करके भरोसा आपका जीतना होगा एंड यही उम्मीद आपसे मैं रखता हूँ कि जो आपको काम दिया जाएगा जिस तरह से बताया जाएगा आप वो भरोसा कायम रखने के लिए मेहनत करके दिखाएंगे अगर आप मेहनत भी करेंगे दिस इज़ कमिंग फोर यू दैस वॉर श्योर उसमें कोई गुंजाइश नहीं है ठीक है बिकॉज देखो तीन चीजें इन्वॉल्व हैं बेटा नंबर वन आपके माता पिता का मेहनत से कमाया हुआ हार्ड एंड मनी विद पुट कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा करके दिखाएगा नंबर टू आपका सपना और आपका समय नंबर थ्री मैं और जो टीम है आपके साथ में हमारे एफर्ट्स ठीक है एंड हमारा समय तीनों में से कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं होनी चाहिए ठीक है अगर आप इतने मजबूत हैं और मुझे भरोसा दिला सकते हैं इसे तीनों चीज वेस्ट नहीं होने देंगे नतीजा निकालेंगे यूर वेलकम होम दिसंबर ट्वेंटियथ इज द डेट विच आई है फाइनलाइज्ड कि दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ दिस एंड जो भी इसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ ए कम्प्लीट पी डी एफ फाइल आई विल शेयर ऑन द यूट्यूब टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम इन द बायिं माई ओनली रिक्वेस्ट इसको ध्यान से पढ़ें कोई सवाल है तो अपने डाउट्स क्लियर करें ठीक है अपने पेरेंट्स से बातचीत करें एंड देन टेक ए कॉल ओके ईच वन ऑफ यू इज़ इम्पॉर्टेंट तो अपनी जब तक मैं आपको डिटेल शेयर करता हूँ प्लीज़ गिव मी समाइम वेरी शॉर्टली विद इन नेक्स्ट थ्री टू फोर डेज एन यू विल फाइंड एवरी डिटेल ऑन सोशल मीडिया एंड अपनी ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए वॉट अवर योर डूइंग इन लाइफ लव योर लाइफ लव योर लाइफ लव योर पेरेंट्स ठीक है एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गॉड ब्लेस जय हिंद